पिज़्ज़ा टेस्ट करते हैं उसको, भाई गर्म है लेकिन बढ़िया है। ये देखो भाई, लो आंटी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करें नए ब्लॉग, तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था कि आज संडे है, करूंगा चैलेंज 24 आवर्स फुल डे चीट डे और फुल डे अपना फास्ट फूड भाई। तो अपना मील नंबर 1 ब्रेकफास्ट, अपना फास्ट फूड रेडी है खाने के लिए। ये है ब्रेड पकौड़ा भाई, फुल ऑन सब्जी वब्जी भरी हुई एकदम। तो गाइस, इसका सीन कुछ ऐसा है भाई, सब्जी इतनी डाली है, गिरने के लिए रेडी हो रखी है भाई। ग्रेम टेस्ट है भाई, ग्रेम टेस्ट एकदम बहुत देख नंबर। ये भाई ब्रेड पकौड़ा मेरा फेवरेट है भाई, सही बता रहा हूँ। तो ये अपनी पहली चीट मील, ब्रेड पकौड़ा। तो फिलहाल चीट डे वाला अपना सिस्टम पहुँच गया भाई, फूड पे तो नहीं लेकिन फिलहाल सोडे पे। तो फिर अभी कुछ खाने का तो बिल्कुल मन करता हूँ भाई, सुबह आपको पता है कचौड़ी वचौड़ी खाई हुई थी फुल ऑन, तो फिर अभी बिना है भाई इतनी गर्मी में। सोडा भैया बना रहे हैं अपना नॉर्मल चिकन जी। चैलेंज मैंने भाई फूड का लिया था लेकिन लिक्विड भाग गया, मैं शाम होते होते लिक्विड भाग गया। ये देखो भाई, तो ये है भाई अपना मेरा नींबू सोडा चीट फूड अपना। ये पी लो, आपको पीना तो। अरे भैया इनको भी लगा, अब आंटी भी हैं, आंटी को भी दे रहे हैं, आंटी का बन रहा है अब। लो आंटी। तो गाइस, अब मैं भरने जा रहा हूँ डीजल, वही भाई लास्ट डंडी टिमटिमारी है, फटाफट भरा लेते हैं यार। तो गाइस, जस्ट मैं अभी घर घुस गया हूँ और वही खुशबू आ रही है, मम्मी ने कुछ अपने चैनल के लिए बनाया होगा। क्या बनाया अभी? अरे वाह, टटन है, ओहो भाई क्या बात है, फुल ऑन खाना बना रही होगी, फुल ऑन वीडियो बना रही है भाई। लेकिन अपना तो आपको पता ही है चीट डे है, और सुबह भी दोपहर को भी, और अभी मैं और शंकी जा रहे हैं बाहर कुछ जंक फूड खाने। वैसे तो इतनी फिटनेस मैंने मेंटेन की नहीं जो मैं ये चैलेंज करूँ, लेकिन ठीक है शंकी चले चलता है दुआ के लगता हूँ। तो गाइस, अपन अब जा रहे हैं डिनर के टाइम डिनर करने, और डिनर में खाएंगे फुल गंदगी भाई, जो गंदा सबसे गंदा जो खा सकते हैं ना मैं और शंकी वो खाएंगे भाई, है ना। हाँ, मैंने बंद कर दिया अभी संडे संडे को। लेकिन भाई सही मैं बताऊँ ना आपको, देखो वैसे तो ना ये चैलेंज बनता नहीं है मेरा, क्योंकि भाई ऐसी फिटनेस है नहीं अपनी जो ये चैलेंज अपन करें तो। लेकिन फिर भी अपन उसको ना एकदम ही मतलब एक्सट्रीम नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल ही, मतलब हफ्ते भर का जितना भी किया या सब ऐसी की तैसी जिम विम की, लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत चल रहा है चीट मील टाइप की तो करेंगे थोड़ा सा, और तो कुछ नहीं। तो फिलहाल जा रहे हैं मैं और शंकी बाहर, देखते हैं क्या खाएंगे। और पहले तो माधव के पास जा रहे हैं, माधव के पास कुछ काम है उनको, क्योंकि उसका फ़ोन ऑर्डर करना है ऑनलाइन, तो उसको फ़ोन दिखाएंगे पहले कौन सा पसंद है उसको, जो उसको पसंद आएगा वो ऑर्डर कर देंगे। शंकी रेडी एकदम, चलो। तो ऐसे फिलहाल अपन आ गए हैं चीट मील करने रात की, और शंकी डिसाइड कर रहे हैं भाई मेन्यू में क्या मंगाना है, फुल ऑन पिज़्ज़ा बर्गर वर्गर खाएगा शंकी। शंकी भाई मेरे चक्कर में खा रहा है, वैसे तो शंकी ने भी बिल्कुल कंट्रोल कर रखा था, कुछ भी नहीं खाएगा, लेकिन जब मैंने चैलेंज ले लिया ये मेरा ठीक है भाई। वैसे बाकी भाई देखा जाए तो मैंने ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं खाया, क्योंकि भाई है ना वैसे अभी आज है ना पूरे दिन से बहुत काम है, भी बहुत ज़्यादा बिजी था, मैं कहीं फंसा हुआ था इस वजह से नहीं खा पाया, और प्लस मैंने जो सुबह जो ब्रेड पकौड़े और खाए थे भाई उसकी वजह से भाई दोपहर को तो भूख नहीं लगी सही बताऊँ तो। कोई नहीं, अब थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, बाकी मंगाया अपने क्या 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 मंगा रहे हैं? एक तो चीजी सेवन, हाँ, इटालियन पास्ता, अच्छा, और गार्लिक ब्रेड है। ये देख रहे हो भाई इसके ऑर्डर देख रहे हो, सॉरे भाई इसको पता है कोई भी अगर पिज़्ज़ा आप आउटलेट अगर नाम बोलो इसको सारे पिज़्ज़ा आउटलेट के नाम पता है, प्लस जितने पिज़्ज़ा आते ना भाई कौन कौन सा अलग तरीके के पिज़्ज़ा आते सब पता है इसको भाई, इतना भयंकर आदमी है मुझे ही कभी बार नहीं पता होते। मेरा जिम ब्रो भाई ये ब्लॉग देखेगा गालियाँ देगा भाई मुझे, सही में पक्का ये ब्लॉग देख के मुझे बोलेगा अरे भाई हालत ख़राब कर दी हफ्ते भर की जिम कैसी कैसी। ऑर्डर लेकर आ रहा है अपना फुल क्या है और भी क्या
क्या क्या मंगा लिया भाई, इतना खाया कैसे आएगा, इतना कुछ मंगा लिया भाई, पता नहीं कैसे खाएंगे। पिज़्ज़ा है अपना, गार्लिक ब्रेड है, दो कोक है और एक पास्ता और बाकी है, पास्ता पैक करा के लेके जाना पड़ेगा भाई। तो गाइस ये है अपना चीज़ी सेवन पिज़्ज़ा, मेरे फेवरेट पिज़्ज़ा है ये, और शंकी तो फर्स्ट टाइम खा रहा है वाला पिज़्ज़ा, खा टेस्ट कर बता मुझे कैसा। तो गाइस ये है अपनी दिन की लास्ट चीट मील पिज़्ज़ा, टेस्ट करते हैं इसको भाई, गर्म है लेकिन बढ़िया है, इसमें चीज़ देख रहा ना भाई, ये गेम है। तो वैसे मैं आपको बताता हूँ, कोल्ड ड्रिंक भाई मैं बहुत रेयरली पीता हूँ, मतलब पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा के साथ भी ऐसा नहीं पीता मैं और शेंकी भी नहीं पीता वैसे, लेकिन आज जब अपन गंदी चीज़ें खा रहे हैं तो फिर भाई कोल्ड ड्रिंक तो सबसे टॉप पे होती है भाई। शेंकी ने इतना ऑर्डर कर दिया था ना कि हमको भाई गार्लिक ब्रेड तो पैक करा के लानी पड़ी, ये देखो वो पास्ता भी इतनी मुश्किल से खाया, पास्ता भी भाई इतनी मुश्किल से खाया, क्योंकि भाई वो जो पिज़्ज़ा था ना भाई, वो सेवन चीज़ी पता नहीं क्या नाम था उसका, चीज़ी सेवन, हाँ वो इतना हैवी था भाई, तो उसमें ही उसने गेम ओवर कर दिया, बाकी बचा कुछ काम कोल्ड ड्रिंक ने कर दिया। तो बस पहले तो शेंकी मेरे साथ चला गया और मैंने उससे पूछा था भाई देखो इंग्लिश में सब कुछ आता था ना, क्योंकि कल इसके एग्ज़ाम है, फिर आएंगे लेट हो जाएंगे, मैंने उसको बोला 10:30-11 बजे जाएंगे, अब देखो आते ही घर घुसते ही भाई देखो रिवाइज वाइज कुछ नहीं कर रहा, अब कोर्स पूरा तेरा, अब रात को रिविजन हो जाता, मुझे तो भाई इस पर शक है कि ऐसा कोर्स पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये बंदा रात को 10:30 बजे किताब लेके बैठता है, इसके चांसेस बहुत कम है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ अभी बाकी है, अभी ये पढ़ेगा, देखते हैं कितने बजे तक पढ़ेगा। इसको पता था ना अगर पहले बोल देता नहीं है तो उसको लेके जाता मैं, तो फिर ये रीज़न है इसका। तो गाइस इसी के साथ अभी अपना ये चैलेंज भी खत्म हुआ, बड़ा ही भाई मेरे को तो पता नहीं क्यों अंदर से बहुत ही गिल्टी सी हो रही है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि चैलेंज क्यों ही किया भाई, क्योंकि उल्टा सीधा भाई खाने का मेरे को मन नहीं करता अंदर से बिल्कुल भी, तो कोई नहीं ये चैलेंज अपन ने किया फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम, इसके बाद अपन चैलेंज ऐसे कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि अगर चीट डे भी होता है, चीट मील भी कुछ खाओ तो एक ही होती है भाई वो दिन की, वो ऐसे मतलब मेरे हिसाब से तो यही है, तो यही रीज़न है, तो चैलेंज पूरा हो चुका है अपना। और ये वाला गार्लिक ब्रेड देखो, ये बच गई थी, इसको वापस लेके आ गया हम, शेंकी पेल लेगा इसको सुबह, देख लूँगा पक्की बात है, पढ़ ले अब कितनी देर तक पड़ेगा, 10 मिनट मैं पूछता हूँ इससे भाई कुछ, चलो रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं इससे, ये बताओ व्हाई द मैन नॉट सीन हिज फ्रेंड इन अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज द मैन मूव टू द वेस्ट एंड हिज फ्रेंड वाज इन न्यूयॉर्क। ठीक है चल अब कोई और रैंडम, ये देखो इसकी राइटिंग देखो, बोल दो अब बता व्हाट डज द नोट टेल यू अबाउट, ये क्या लिखा है अबाउट द फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप ये फ्रेंडशिप किस पर लिखी है, ये फिल्मी क्या लिखा है, और ये क्या लिखा है, इसे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन होता हाउ कैन यू से दैट जिमी विल शार्प एंड क्लेवर, जिमी विल वाज शार्प एंड क्लेवर बिकॉज ही रिकॉग्नाइज्ड हिज फ्रेंड एंड ही सेंट अ टॉल मैन टू अरेस्ट हिम बिकॉज ही कुडंट, भाई मुझे तो इसकी राइटिंग समझ नहीं आ रही, देखो पता नहीं क्या क्या करता है ये, कुछ पढ़ा ही जा रहा होगा इसके, जिम्मी लिखे हैं पता नहीं क्या, समझ नहीं आया। तो गाइस इसी के साथ इस कर रहे हैं इस ब्लॉग को ख़त्म, आई होप इस ब्लॉग में आपको मजा आया हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने ध्यान रखिए, मजे मारिए, ठीक है, बाय।